ஒரு போலீஸ் காரனோட பண்ண. साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत का जादू एक बार फिर से फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा। एक्टर की नई फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक्टर फिर से पुलिस वाले के रोल में छा जाने को तैयार बैठे हैं। वही जनता उनके अंदाज की दीवानी हुई जा रही है। फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन है। इस जोड़ी को भी खूब प्यार मिल रहा। अब जिस फिल्म में रजनीकांत हो, भला वहाँ स्पॉटलाइट उनके अलावा किसी और पर तो पड़ ही नहीं सकता। धमाकेदार डायलॉग और धुआंधार एक्शन से लबरेज जेलर का ट्रेलर हर किसी को पसंद आ रहा। जेलर की कहानी घूमती है रजनीकांत यानी जेलर बने मुथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द, जिनकी जेल से एक खतरनाक गिरोह अपने सरगना को आजाद कराने के फिराक में है। लेकिन मुथुवेल एक सख्त पुलिस वाला है जो अपने काम के लिए बेहद ईमानदार है। वही वो अपने घर पर एक शांत किस्म का इंसान है। उसके दूसरे खतरनाक वाले अंदाज के बारे में उसकी पत्नी को अंदाजा नहीं है। वो अपने बेटे के लिए एक नर्म दिल पिता है। वही जैकी श्रॉफ भी विलन के रूप में दमदार लग रहे हैं, लेकिन उसे रजनीकांत के असली रूप के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। अब वो कैसे इस जानकारी का फायदा उठाकर उसे मजबूर करता है और कैसे मुथुवेल यानी रजनी को धूल चटाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वही आपको बता दें कि ट्रेलर में तो सख्त जेलर के किरदार में रजनीकांत जान डालते नजर आ रहे हैं। फैंस उनके स्टाइल के कायल हुए जा रहे हैं। जेलर को पहले थलाइवर 1969 का नाम दिया गया था, जिसे मेकर्स ने बाद में बदल दिया। ये फैसला मेकर्स ने रजनीकांत को ट्रिब्यूट देते हुए लिया था, क्योंकि रजनीकांत के करियर की ये 169वीं फिल्म होगी। हालांकि इस डिसीजन में बदलाव क्यों किया गया, इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। वैसे आपको कैसी लगी रजनीकांत की ये नई फिल्म का ट्रेलर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।